मेघनाथ का वध देखकर इमोशनल हो गए लक्ष्मण। जी हाँ, मेघनाथ के वध का सीन देखकर सुनील लहरी इतने इमोशनल हो गए कि उन्होंने ये पूरा का पूरा दृश्य अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। ये तस्वीर ट्विटर पर शेयर करते हुए सुनील ने कैप्शन में लिखा, मेघनाथ का वध देख रहा हूँ, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्यों इस सीन ने सुनील को ये तस्वीर शेयर करने को मजबूर कर दिया? आइए इसकी वजह भी समझिए। दरअसल मेघनाथ का रोल निभाने वाले एक्टर विजय अरोड़ा अब इस दुनिया में नहीं है। जी हाँ, मेघनाथ का किरदार निभाते वक्त विजय की उम्र करीब 43 साल के आसपास थी, लेकिन साल 2007 में स्टमक कैंसर से उनका निधन हो गया। ऐसे में विजय के साथ सुनील की भी काफी सारी यादें रामायण और विक्रम बेताल के टाइम से जुड़ी हैं। वैसे तो विजय 70 और 80 के दौर में कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं। वो इतने हैंडसम थे कि राजेश खन्ना भी उनसे इनसिक्योर रहते थे। खैर, लेकिन वक्त के साथ सही तालमेल नहीं बिठा पाने के चलते विजय अरोड़ा फिल्मों से गायब ही हो गए। मगर जब विजय ने किया टीवी का रुख, तो यहाँ सुनील के रूप में उन्हें एक बेहतरीन को-स्टार और दोस्त मिला। पहले तो दोनों ने रामानंद सागर के ही शो विक्रम बेताल में साथ में काम किया और यहाँ से इनकी दोस्ती की शुरुआत हुई, और फिर रामायण में भी ये दोनों साथ नजर आए। कहा जाता है कि रामायण के दौर में इनकी दोस्ती काफी गहरी हो गई थी। सेट पर विजय के साथ सुनील की काफी बनती भी थी। अब भले ही ऑन स्क्रीन मेघनाथ और लक्ष्मण कट्टर दुश्मन थे, लेकिन ऑफ स्क्रीन दोनों जिगरी दोस्त से कम नहीं थे। ऐसे में जब एक बार फिर से मेघनाथ के रूप में अपने दोस्त को सुनील ने फिर से पर्दे पर देखा, उनकी सारी पुरानी यादें फिर से जी उठी। इस पल को उन्होंने अपने कैमरे में कैद कर लिया और अपने फैंस के साथ शेयर भी किया। आपको बता दें कि मेघनाथ के वध का ये सीन गुरुवार को दिखाया गया। इस सीन को बड़े गौर से सुनील लहरी ने देखा। लेकिन आपको बता दें कि जब से रामायण शुरू हुआ है, तब से सुनील लहरी जबरदस्त चर्चा में हैं। इसकी एक बड़ी वजह है उनका सोशल मीडिया से जुड़ना। जी हाँ, सुनील वक्त वक्त पर अपने इस पुराने शो से जुड़ी तस्वीरें और बातें सोशल मीडिया के जरिए शेयर कर रहे हैं, जो फैंस को पसंद भी आ रही हैं। और अब मेघनाथ का वध उन्हें इमोशनल कर गया।